कोरोना महामारी में अपने साथ साथ पूरे माझी समाज को देखा जाए तो पूरी व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई। लॉकडाउन 22 तारीख से चालू हुआ, तब से लेकर अब तक में हमारे मतलब पूरे जीने खाने मतलब एक पैसे का कोई भी इनकम हो नहीं पा रहा। नाव जस्ट की तरफ बनी है। दिक्कतों का सामना ये करना पड़ा कि हम लोग अपने घर में ही बंद गए थे, कहीं आना जाना नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ जिसका कोई भी अनुभव नहीं था और अंदाज़ा नहीं था, तो कुछ भी सामान हम लोग जुटा नहीं पाए थे। प्रशासन को हम लोगों ने मांग किया था कि हमारी नावें चालू हो जाए, लेकिन जब यात्री आएंगे नहीं, हमारा व्यवसाय सिर्फ और सिर्फ पर्यटन से जुड़ा है, जब व्यवसाय पर्यटन आएंगे नहीं तो हमारा व्यवसाय चलेगा नहीं। इस स्थिति में हमारी पूरी अपनी नाविक व्यवस्था ध्वस्त है और यहाँ पे जो जल पुलिस और नाना प्रकार के जो प्रशासन व्यवस्था है वो पब्लिक को यहाँ से भगा रही है, न घाट पे ठहरने दे रही है, न कुछ कर रही है। तो ऐसी स्थिति में नाव का चालू होना और न होना सब विफल है। अब तक में शासन प्रशासन और कहीं से भी हमें कोई भी आर्थिक मदद अभी तक नहीं मिली है। कुछ दिनों की बात है, डीएम साहब और कमिश्नर साहब के आदेशानुसार 1000 के फार्म भरे जा रहे थे, वो भी उसका कोई अता पता नहीं है। लोग फार्म भर दिए हैं, अभी उसका कोई अता पता नहीं है। और कहीं से अगर से राशन आता भी रहा तो प्राइवेट संस्था द्वारा आते रहे, जिसको किसी को मिला और किसी को नहीं मिला, वो भी राजनीतिक का भेंट चढ़ गया। वो भी अपने अपने वोट बैंकों द्वारा, जो हमारा वोट बैंक है वहाँ पे बांटा गया और नाविक के नाम पे कोई भी राशन व्यवस्था अभी तक नहीं मिला है। लॉकडाउन में जो पूरा 3 महीना नाव बंद था वो तो बंद ही था, उसके बाद लॉकडाउन 2 चल रहा है अभी, इसमें भी नाव बंद है, खुल गया है, अभी फिलहाल खुला है और कुछ खास इसमें भी वो नहीं है फ़ायदा, क्योंकि अभी भी प्रशासन की तरफ से तो नाव खोल दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे पर्यटन है नहीं, तो इसलिए ज़्यादातर नावें आज भी बंधा रहता है। लॉकडाउन को देखा जाए और अनलॉक 2 देखा जाए तो इसमें कोई भी हमें समानता नहीं दिख रही है, वो दोनों ही अपने बराबर का प्रारूप। और ऐसे में देखा जाए तो ये अनलॉक उससे भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ना तो हमको एक उम्मीद जो जगी थी वो उम्मीद ना उम्मीद के बराबर लग रही है। आगे क्या होगा इसका कोई अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी चिंता ये खाए जा रही है कि जो हम इस महामारी में 3 महीने में जिस स्थिति से गुजर के आ रहे हैं, जो अपने व्यवसाय करके आ रहे हैं, कुछ भी मतलब सब जितना रखा हुआ धन था सब समाप्त हो गया। अब यहाँ नौबत ये आ गई है कि आने वाला समय में या अनलॉक 2 में हमें उम्मीदें जो दिख रही थी वो तो समाप्त हो गई, लेकिन अब हमारी पेट जीविका कैसे चलेगी इसका कोई रास्ता नहीं देख रहा है। जिसपे इसको अगर से सबसे बड़ा मार कही जाए तो सरकार द्वारा, जो कि हम लोग को सुविधा देने के बजाय इस समय मैसेज द्वारा स्कूल की फीस भरी जाए, इलेक्ट्रिशियन भी फीस भरी जाए और ऊपर से नाना प्रकार के टैक्स, आपको ये छूट मिलेंगे वो छूट मिलेंगे, जब हमारे पास कोई व्यवस्था रहेगा ही नहीं तो हम किस आधार पर उनको फीस दे और ऐसे करें। हमारे 3-3 बच्चे पढ़ते हैं जो कि उनका मासिक खर्च कम से कम 15,000 से 20,000 रुपया है, यहाँ पे 0 बैलेंस हो गया है। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस स्थिति में मैं उस 15,000 से 20,000 का उस स्कूल में कैसे फीस भरूँ और आगे मैं कैसे चलूँ इससे।